हेलो एवरीवन, द बेकिंग स्टूडियो बाय सोनी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चीज केक की रेसिपी, बहुत ही डिलीशियस है और वो भी एक यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ, मैंगो चीज केक, वो भी मिनी वर्जन में। आज मैं बनाने वाली हूँ मिनी मैंगो चीज केक, बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही यूनिक, तो जरूर ट्राई कीजिए। और रेसिपी देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जो भी रेसिपी हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चीज केक का बेस बनाना होगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे ओट मिल कुकीज ले रही हूँ। ये डाइजेस्टिव बिस्किट होता है और थोड़ा हेल्दी भी है। इसका मैं 1 पैकेट यूज करूंगी, 150 ग्राम का, और साथ ही साथ 1 कप मैं यहाँ पे चीज क्रीम ले रही हूँ, जिसे मैंने घर में ही बनाया है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे 3/4 कप व्हिप क्रीम, 2 टेबलस्पून बटर यूज करूंगी, जिसे मैं अपने बिस्किट के क्रम को मिक्स करूंगी, और 1/2 कप जितना मैं यहाँ पर पूरी तरह से पका हुआ मैंगो का पल्प यूज कर रही हूँ, और साथ ही साथ 1/4 कप जितना मैं यहाँ पे मिल्क मेड यूज करूंगी। बस हमें इतना ही सामग्री चाहिए। सबसे पहले हम अपने बिस्किट को क्रश कर लेंगे। इसे मैंने हाथों से तोड़ लिया है और एक ब्लेंडर जाल में मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे मेल्टेड बटर इसमें मिक्स कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इससे हमें चीज केक का बेस बनाना है, क्योंकि आज हम मिनी चीज केक बना रहे हैं, इसलिए इसे मैं मफिन वाले मोल्ड में ही बनाऊंगी और इसके लिए मैं पेपर लाइनिंग यूज करूंगी। सारे कप्स में मैं यहाँ पे पेपर कप्स में मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जितना जो हमारा क्रम है बिस्किट का वो मैं ऐड कर दूंगी और इसे स्पून की सहायता से सेट कर लूंगी। हल्के हल्के प्रेस करके मैं एक बार सेट करूंगी और उसके बाद मैं उसके ही साइज के हिसाब से कोई ग्लास से उसे अच्छे से दबाकर फिक्स कर लूंगी। अब मैं इसे रेफ्रिजरेटर में अप्रॉक्स 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूंगी और तब तक मैं अपने व्हिप क्रीम को व्हिप करती हूँ। व्हिप क्रीम को मैंने एक बड़े बॉल में ऐड कर लिया है और इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से हम इसे व्हिप कर लेंगे। इसे हम तकरीबन 5 से 8 मिनट तक व्हिप करेंगे और ये अच्छे से हमारा बीट होकर के रेडी हो जाएगा। अब हम अपने चीज क्रीम को बीट करेंगे। चीज क्रीम को मैंने दूसरे बॉल में ऐड कर लिया है और इसे भी हम इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से अच्छे से लाइट एंड फ्लफी होने तक बीट कर लेंगे। अप्रॉक्स अच्छे से 3 से 4 मिनट तक हम इसे बीट करेंगे ताकि ये अच्छे से लाइट एंड फ्लफी हो जाए। नॉर्मली हमें इसमें एयर इनकॉर्पोरेट करना होता है जिससे कि ये काफ़ी लाइट हो जाए। इसके बाद हम इसी समय में इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर देंगे और उसे भी हम अच्छे से 3 से 4 मिनट तक बीट कर लेंगे, और सबसे लास्ट में हम इसमें मैंगो ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से लाइट एंड फ्लफी होने तक बीट करके इसमें मिक्स कर लेंगे। इसे टोटली हमें अप्रॉक्स 10 मिनट तक बीट करके बना लेना है ताकि ये पूरी अच्छे से लाइट एंड फ्लफी हो जाए और हमारा जो चीज़ केक बने वो बहुत ही अच्छा मेल्ट इन माउथ बन करके रेडी हो। जब ये हमारा अच्छे से बीट हो जाएगा तब हम इसमें व्हिप क्रीम ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी लाइट और क्रीमी हो गया है। अब जो हमारा व्हिप क्रीम है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। व्हिप क्रीम ऐड करने के बाद हम इसे बहुत ज़्यादा देर तक व्हिप नहीं करेंगे, बस हम इसे एक बार मिक्स करेंगे और ये हमारा चीज़ क्रीम का मिक्सचर रेडी हो जाएगा। ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे अपने बिस्किट बेस में ऐड करेंगे। बिस्किट बेस भी हमारा अच्छे से चिल्ड होकर के फ्रिज में सेट होकर के रेडी हो गया है। अब हम स्पून की सहायता से हर एक कप में चीज क्रीम वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे ऑफसेट स्पैचुला की हेल्प से प्लेन कर देंगे। ये क्रीम बहुत ही टेस्टी होता है और चीज क्रीम बनाना बहुत ही आसान भी है, तो आप इसे बना करके ढेर सारी रेसिपीज में यूज कर सकते हैं। अब हम इसे फ्रीजर में 2 आवर के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हमारा चीज केक रेडी हो जाएगा। अब हम इसके लिए गार्निशिंग बनाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट करके मैंने यहाँ पे ले लिया है और उसे हम एक OHP शीट के ऊपर फैला लेंगे। इसके जगह पे आप कोई नॉर्मल प्लास्टिक भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से स्प्रेड करके हम इसे फ्रीजर में 1/2 सेट होने के लिए छोड़ देंगे, जस्ट 1 या 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसमें डिजाइन बनाएंगे।
ये हमारा हाफ सेट होकर के आ गया है, ये पूरी तरह से अभी सेट नहीं हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा ही ये सेट हुआ है। जस्ट मैंने इसे एक मिनट के लिए फ्रिज किया था और अब हम इसमें कट के निशान लगाएंगे। इससे एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्निशिंग हमारे चीज केक के लिए बनकर के रेडी होगा। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे करें या फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। चॉकलेट के डेकोरेशन बनाना बहुत ही आसान है और वो आपके किसी भी डेजर्ट को बहुत ही खूबसूरत लुक देने में कारगर होते हैं। इस तरह से मैंने सारे लाइंस बना लिए हैं और इसे फोल्ड करके मैं फिर से फ्रिज में इसे सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। अब हम इसे एक बार रोल कर लेंगे और यहां पर मैं इसमें एक रबर बैंड लगा दे रही हूं जिससे ये अपने शेप को होल्ड करके रखे, और इसे 15 मिनट्स के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये पूरी तरह से सेट हो गया है, आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से जो हमारा प्लास्टिक सीट है वो निकल जा रहा है और ये जो हमारी गार्निशिंग है वो बन करके पूरी तरह से रेडी हो गई है। ये बहुत ही खूबसूरत सा और डेलिकेट सा हमारा एक गार्निशिंग तैयार हो गया है। इधर हमारा चीज केक भी सेट होकर के रेडी है, अब हम इसे थोड़ी सी गार्निश करेंगे। सबसे पहले हम इसके पेपर को रिमूव कर देंगे और इसे मैं थोड़े से व्हिप क्रीम के साथ और जो मैंने चॉकलेट की गार्निशिंग बनाई है उसके साथ हम इसे डेकोरेट करेंगे। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और खाने में तो इसके कहने ही क्या है, तो आप इस गर्मियों में और आम के सीजन में इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा और मेरी चैनल पे आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये आपको कैसा लगा। तो ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो रेडी है ये डिलीशियस मिनी मैंगो चीज केक, बहुत ही डिलीशियस बना है और आप आराम से इसे घर में बना सकते हैं, चीज क्रीम भी घर में बना सकते हैं और ये डिलीशियस गार्निशिंग के साथ ये डिलीशियस रेसिपी आप इजीली घर में बना सकते हैं। तो जरूर से ट्राई कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए और बहुत सारे टेस्टी और फैंसी डिजर्ट के साथ मेरे चैनल पे हमेशा अपने लाइक और प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू।